हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। इसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर सेकंड, और आज है चैप्टर नंबर सेकंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल थे 14, या फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इस पूरे टॉपिक को मैंने यहाँ दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, जहाँ पर हम हेनरी फ्योल के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, और उसके अलावा उसके काफ़ी सारे डेटा है जिसके ऊपर एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसके अंदर हम हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पे जाएंगे, और हेडिंग पे आप देखिए बेटा क्या है। हेडिंग पे आपको साफ दिख जाएगा फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप फ्यूल जो है वो है हमारी हेनरी फ्योल, हमारे प्यारे दुलारे हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल जो है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं, और उनकी हिस्ट्री भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें से MCQs या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके आ गया हमारा ये प्यारा हेनरी फ्योल। तो ये हेनरी फ्योल की इमेज है ना, अच्छी खासी बियर्ड रखी हुई है, मतलब उस जमाने में भी ठीक है। चलिए, अभी बीच में जब सलमान खान का टाइम चल रहा था तब इसका ट्रेंड नहीं था, अभी इसका ट्रेंड वापस आ चुका है, और पुराने टाइम में भी था, ये रहा उसका सबूत ठीक है। तो हेनरी फ्योल, सब यहाँ पर हेनरी फ्योल से रिलेटेड 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है हेनरी फ्योल से रिलेटेड। इन 6 पॉइंट में से गारंटेड 1 क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी देता हूँ। 1 से ज्यादा आ सकते हैं तो वो आपकी किस्मत है, लेकिन 1 क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यूज यानी कि 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है मेरी आएगा ही आएगा। इसीलिए ओनली 14 प्रिंसिपल करने से कोई मतलब नहीं है, वो प्रिंसिपल देने वाला कौन है, वो है हेनरी फ्योल। उन हेनरी फ्योल के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ है लाइफ टाइम, ठीक है भाई, कितने टाइम तक ये हमारी दुनिया के अंदर रहे, इस अर्थ के ऊपर रहे। तो 1841 के इनका बर्थ हुआ था, और 1925 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अप्रोक्स माने तो ये हो गए आपके 18 के हो गए ये 60+25, यानी कि 85 ईयर तक इन्होंने इस दुनिया के अंदर धमाल मचाया, और हमको बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल देके गए मैनेजमेंट के, जो अभी तक भी हम फॉलो करते हैं, और अभी तक भी वो एग्जाम में आते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। 41-25 याद रखना ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशन, भाई क्या प्रोफेशन था इनका, तो ये माइनिंग इंजीनियर थे। माइनिंग इंजीनियर है ना, माइंस होती है ना, वो माइंस को कैसे खोदना है, माइंस में कैसे काम करना है, कैसे माइंस से मिनरल्स निकालने हैं, वो पूरा ये संभालते थे, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर ये देखते थे। तो माइनिंग इंजीनियर थे ये, ओके। और बाद में ये क्या बन गए, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी, इसलिए बाद में ये मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट बन गए, ओके। एक्चुअल में ये फील्ड में काम किया, माइनिंग के अंदर इन्होंने काम किया, मैं इंजीनियर के हिसाब से इन्होंने काम किया, और वहां पर इनको कुछ लगा कि ओनली इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, इंजीनियर तो सिर्फ मैप का बना सकता है या फिर गाइड कर सकता है, मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काम किया और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बन गए, वर्ल्ड के फेमस मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बन गए, जिनको आज भी इस मॉडर्न टेक्निक में भी उनको यूज किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स को और उनकी थ्योरीज को। फ्रेंच नेशनल थे ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊं, एक हमारे थे F.W. टेलर, तो जो टेलर साहब थे वो भी इंजीनियर थे, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ओके, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करे थे। अगर आपने नहीं करे हैं तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। अभी इसको कंटिन्यू कीजिए। तो माइनिंग इंजीनियर थे, वे मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये फ्रेंच के रहने वाले थे, वो अमेरिकन थे। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस भी जरूरी है, जब हम चीज़ों में डिफरेंस करना स्टार्ट करते हैं ना तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है कंपेरिजन, क्योंकि ये ह्यूमंस का बेसिक नेचर है ना, वो हमेशा कंपैरिजन करता है, ओके।
आप भी करते होंगे अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास से, अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लासमेट से, है ना, अपने टीचर्स में कंपैरिजन आप जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भी थ्योरी के अंदर भी और अपनी स्टडी के अंदर भी कंपैरिजन लेके आई है। यहाँ पर आपके सामने दो है आपके, है ना, मैनेजमेंट गुरु बोल सकते हैं आप उनको, एक है एफ डब्ल्यू टेलर, एक है आपके हेनरी फ्योल। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये माइनिंग इंजीनियर है, वो अमेरिकन थे और ये कौन है, ये फ्रेंच थे, है ना, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो कहने का मतलब, इसके अलावा दोनों थे इंजीनियर और दोनों ने मैनेजमेंट के ऊपर, उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दी। ओके, नेक्स्ट आता आपका एजुकेशन, एजुकेशन, ए जू के तू सुन, मारवाड़ी में इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना, ए जू के तू सुन। ओके, ये हो गया आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रेजुएट है, ये ग्रेजुएट थे। पुराने टाइम में ग्रेजुएशन ही बहुत बड़ी बात थी, आज के टाइम में ग्रेजुएशन तो ऐसे ही, मतलब क्या बोले हम आपको, ठीक है, बट आपको ठीक है ग्रेजुएशन भी अगर अच्छे से करें, वैसे काबिलियत जो होती है ना वो काम आती है ना। तो ग्रेजुएट थे ये, हुए थे माइनिंग एकेडमिक सेंट एंटाइन इन 1880, मतलब 1880 के अंदर ये ग्रेजुएट हुए थे उस टाइम, और उस टाइम ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात थी। बट यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर गैप देखिए जरा, 41 के अंदर इनकी बर्थ हुई थी और ग्रेजुएट हुई ये जाके 80 में, यानी कि इन्होंने लगभग 40 ईयर तक, तो मतलब है ना, आजकल तो मतलब 20-21 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र में स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन उस टाइम देखो इन्होंने कितना रिसर्च किया, कितना टाइम दिया अपनी स्टडी को, तभी तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं। अगर 21-22-23 साल में ही किताबें बंद करके बैठ जाएं, है ना, जॉब लग गई बस, तो फिर नहीं हो पाता। इन्होंने मतलब जॉब के साथ में भी हो सकता अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, डीपली स्टडी करी, इसलिए आज हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पोजीशन हेल्ड। आजकल जो बच्चे स्टडी करते हैं जॉब के लिए करते हैं, इन्होंने जॉब के लिए नहीं करी है। ओके, पोजीशन हेल्ड, इसके बाद में जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई तो इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने एक पोजीशन ली माइनिंग कंपनी के अंदर, एक माइनिंग कंपनी थी क्योंकि ये माइनिंग इंजीनियर थे, तो इन्होंने माइनिंग कंपनी के अंदर क्या ले ली, अपनी पोजीशन ले ली। और किस में, इनका ये कंपनी का नाम था, है ना, अब ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, कंपनीज डे कमेंट्री। ओके, और उनका इस पोजीशन पे थे और ये उस कंपनी का नाम था, ठीक है, स्पेलिंग रट लेना, फोर चैम्बे डी सेम्विले, ठीक है, जो भी है आप याद रख लेना, क्योंकि इंग्लिश नहीं है ये, फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है, तो उस वजह से ये आपको नाम याद रखना है कि माइनिंग कंपनी के अंदर उनकी ये पोजीशन थी फर्स्ट और ये कंपनी का नेम था। एंड अच्छा, ये कंपनी का नेम ही था, वाह भाई बड़ा गजब का नेम है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये कंपनी का नेम ही है भाई, ठीक है। बिकम माइन मैनेजिंग डायरेक्टर, MD बने थे बेटा, MD, MDH, MDH, वो वाला MDH नहीं है, MDH मसाले नहीं है ये, MD मतलब यहाँ हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये कंपनी के अंदर अच्छी खासी पोस्ट होती है, उसके अंदर इन्होंने काम किया, क्योंकि ये मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बहुत कुछ थ्योरीज वगैरह दी और इससे इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इन 1888, है ना, 80 के अंदर देखो ये ग्रेजुएट हुए और उसके 8 साल बाद में जो है ये MD बन गए उस कंपनी के अंदर। पहले इन्होंने पोजीशन ली थी कंपनीज डे कमेंट्री के अंदर, फिर उसके बाद में जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए 1888 के अंदर, और फिर रिमेन रहे 1980 तक, है ना, 1918 तक ये कंटिन्यू उस कंपनी के अंदर रहे। लगभग यहाँ सोचे अपन 88 से हो गया आपका 98, फिर 1908 और 30 ईयर तक आपने उस कंपनी के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर काम किया। क्यों? क्योंकि इनको हो सकता है पैसे से इतना लगाव नहीं हो, इनको सिर्फ था अपने काम से, अपनी कंपनी से प्यार था इनको, और रिसर्च भी करते रहे, कंपनी को बेनिफिट होता रह गया, MD तक पहुंच गए और पैसा अपने आप आ गया, ठीक है। तो छोटी मोटी बातों पे कंपनी नहीं बदलनी होती है, ये डिटेल थी इनकी। और उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आता आपका राइटिंग, इन्होंने जो लिखा ना उसको हम आज भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले, और आज के लेक्चर के अंदर बहुत अच्छा उसमें से हम कुछ आपको देंगे जो आपके बहुत काम आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरली, ये उनकी लैंग्वेज में था,
एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली, ये इन्होंने बुक लिखी, बट ये बुक उस टाइम ओनली अपने एरिया में ही फेमस हुई और अपनी कंपनी को इन्होंने उस बुक में जो रूल लिखे उसको फॉलो करके, मतलब रिसर्च बेस्ड पूरी बुक थी जिसे कंपनी को बहुत फायदा हुआ उन रूल से, तो उन्होंने उन रूल्स के हिसाब से जो है जो उन्होंने कंपनी में फॉलो किए उसकी एक बुक लिख दी। बट ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस तब हुई जब इसको पब्लिश किया गया इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश में इसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949 के अंदर, और 1949 में जब ये इंग्लिश में पब्लिश हुई तो इसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर, और तब से लगाकर अभी तक लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके ठीक है, क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी दी इन्होंने, फाउंडेशनल वर्क की है ना, वाइल्डरी कंसिडर्ड किया इन्होंने। फिर आता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आज तक हम पढ़ रहे हैं वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप भी जब बड़े होंगे, अगर बिजनेस करते हैं, जॉब के पीछे नहीं भागते हैं, जॉब कुछ टाइम तक करते हैं, तो आपके ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके बहुत काम आएंगे। अगर किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं और वहां पर भी आप इनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपकी पोजीशन और आपकी सैलरी धीरे धीरे अपने आप ग्रो होगी, क्योंकि इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से सीधा डायरेक्ट कंपनी को फायदा होता है। ओके तो ये 6 पॉइंट थे जो आपको अच्छे से लर्न करने, अच्छे से रिमेम्बर करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिर यहाँ पर, हम यहाँ ये चार्ट में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आते हैं हम यहाँ पे देखो, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया, हेनरी फ्योल थे 1945 वाज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, हुज थ्योरी कंसर्निंग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन लेबर के ऊपर थ्योरी थी पूरी इनकी। लगभग इनके सारे अप्रोक्स जो सारे प्रिंसिपल है जो 14 है उनमें सब जगह आप यही देखोगे कहीं ना कहीं लेबर और वर्क के ऊपर काम किया गया है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि जो लेबर होता है ना वो ही कंपनी की रियल एसेट होता है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं 5 रिसोर्सेज उनको बोला जाता है, आपको पता है उसके अंदर होता है मैन, मनी, मेटेरियल, मशीन, मेथड। ओके ठीक है, बट यहाँ पर ये जितने भी रिसोर्सेज है ना, इसमें मैन जो है ये एक ऐसा रिसोर्स है जो इन सब रिसोर्सेज को यूज करता है, ऑपरेट करता है। अगर मैन नहीं होगा तो ऑपरेट कौन करेगा, तो इसीलिए इन्होंने लेबर को सबसे इंपॉर्टेंस दी और लेबर के ऊपर काम करने को इन्होंने बोला है, और ये प्रिंसिपल इनके सारे जितने भी है वो यही बोलते हैं कि आप जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको संभाल लीजिए, उस पर काम कीजिए, बाकी के रिसोर्सेज अपने आप ही बहुत एफिशिएंटली यूज होने लग जाएंगे, और इससे कंपनी की ग्रोथ होती है और कंपनी जो है बहुत अच्छा टर्नओवर दे देती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी करती है और बहुत अच्छा सोसाइटी में अपना नाम भी कर देती है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ इस एक फ्लो चार्ट से। ये देखिए कहाँ है सर, ये रहा, ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है ओके, बाय कॉमर्स वाले गुरु जी हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल थे उनके ऊपर जब मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा तब मुझे पता चला, और आपके ये कोर्स के अंदर बेटा आपके सिलेबस में ये ध्यान रखना, तो वो ये चीज सामने निकल के आई कि जो हेनरी फ्योल थे ना, इन्होंने मेनली चार चीजें दी हमको। फर्स्ट इन्होंने दिया थ्योरीज, सेकेंड इन्होंने दिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो पहले बिल्कुल किसी को पता नहीं थी, ठीक है। थर्ड इन्होंने दिया डिविजनल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और फोर्थ इन्होंने दिया क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर। चार चीजें इन्होंने दी और ये चारों आपके कोर्स के अंदर है। हाँ थ्योरीज आपके डिटेल में है और बाकी जो तीनों चीजें है वो यही तक है, बस उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे आपको दी गई है। ओके फर्स्ट इन्होंने जो थ्योरीज दी यानी कि वो 14 जो प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट की, MGT मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड के अंदर। इससे आपका ये होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस हैं मतलब आपको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर, और आज के टाइम के अंदर ऐसा एक मार्केट नहीं है, ऐसा एक जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको कॉम्पिटिशन का सामना नहीं करना पड़ता, सबको कॉम्पिटिशन को फेस करना ही पड़ता है, और अगर वो कॉम्पिटिशन में नहीं टिकाना तो वो पीछे रह जाएगा, बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया, और एक टाइम में एप्पल से कई गुना बड़ी कंपनी थी नोकिया, शायद आप उस टाइम छोटे थे लेकिन मुझे याद है 2000
दुकान पे जाते देना एक ही फोन होता था नोकिया, उसको बोलते थे दूसरा दिखा दिया ना यही जूते पड़ेंगे तेरे को। अगर कोई दूसरा गलती से सैमसंग या माइक्रोमॉक्स दो तीन और फोन थे, अगर कोई गलती से दिखा देता था ना तो उसको मतलब यूं नजर से देखा जाता ना क्या दिखा दिया तूने ये। और आज के टाइम में वो कंपनी मार्केट से गायब है। ओके, तो ये कंपटीशन से होता है, तो कंपटीशन में बने रहना बहुत जरूरी है। कैसे बने रह सकते हैं वो इन्होंने बताया है। और इससे क्या होता है, कंट्रोल होती है इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंट्रोल होती है। ओके, किससे कंट्रोल होती है, इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो करने से। सर इससे क्या होगा, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल हो गई ना भाई, आपकी एक चीज है जो 10 रुपए में कॉस्ट पड़ती है और सारी कंपनी यही चीज बना रही है, यही प्रोडक्ट बना रही है और 10 रुपए में पड़ता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए ये पेन, ठीक है, कॉस्ट है 10 रुपीज इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की। अगर आपने अब आप इसके ऊपर मार्जिन 2 रुपए जोड़ के मान लेते हैं 15 रुपए में या 20 रुपए में सेल करते हैं और सब जने यही करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर लिए तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। अब आपकी मान लेते हैं कॉस्ट हो गई 9 रुपीज, मतलब 1 रुपीज आपने कंट्रोल कर दिया। कैसे, ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं। और अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, मतलब अब बाकी सब भी 15 रुपीज में बेच रहे हैं या 20 रुपीज में बेच रहे हैं, आप भी 20 में बेच रहे हो बट आपको 9 रुपए का पड़ रहा है, बाकी को 10 का पड़ रहा है, समझ रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। इसलिए इसके अलावा कभी कभी आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट देके बाकी सब कॉम्पिटिशन में आगे निकल सकते हो। तो ये है ना, तो कॉस्ट अगर कंट्रोल होती है, कॉस्ट अगर कम होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो आपका मार्जिन बढ़ता है, आप कॉम्पिटिशन में टिके रह सकते हो, आप प्रॉफिट कमाओगे, ज़्यादा बेचोगे, ओवरऑल बिजनेस आपका चल पड़ेगा। नेक्स्ट आता आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। एक हमने स्टाफिंग और जोड़ा था इसके अंदर। तो ये जो आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट को जो काम करने पड़ते हैं, ये 4 थे। ये किसने बताए, ये फर्स्ट टाइम हमारे प्यारे दुलारे हेनरी फ्योल ने बताए थे। ओके, नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसका डिवीजन किसने बताया, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसका डिवीजन भी हेनरी फ्योल ने बताया। उसने बोला टेक्निकल एक डिवीजन होना चाहिए आपका, एक कॉमर्शियल डिवीजन होना चाहिए, एक फाइनेंशियल डिवीजन होना चाहिए, एक सिक्योरिटी डिवीजन होना चाहिए, एक अकाउंटिंग डिवीजन होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैनेजरियल डिवीजन भी होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम भी हर कंपनी के अंदर टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी और अकाउंटिंग ये डिवीजन होते थे लेकिन मैनेजरियल नहीं होता था। इन्होंने मैनेजरियल डिवीजन को भी ऐड किया और बोला आपके सारे काम डिवीजन वाइज जो है डिवाइड होने चाहिए, तभी आपकी कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। सब कुछ एक डिवीजन में मिक्स नहीं करना है ना, मिक्सर वाली नमकीन नहीं खानी है अपन को, है ना, उससे पेट खराब हो जाएगा। ओके, यहां पर उसके अलावा इन्होंने दी क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर। आपका जो मैनेजरियल डिवीजन होगा इसको मैनेजर संभालेंगे। अब मैनेजर कोई भी एरा गेरा नथू गेरा क्या बोलते हैं वो मैनेजर नहीं होना चाहिए। ओके, किसी को उठा के लाके आपने बिठा दिया, नहीं, वो जो मैनेजर है उस डिवीजन का, जो टॉप मैनेजर है, जैसे एमडी थे हमारे हेनरी फ्योल, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनमें क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या, फिजिकल, देखा नहीं अभी लंबी लंबी मूछें, एकदम स्मार्ट, बढ़िया लगे पड़े हैं एकदम, है ना, फिजिकल। और उसके अलावा मेंटल, मोरल, है ना, धोखेबाज, दगाबाज, है ना, वो नहीं होना चाहिए। ओके, एजुकेशन, एजुकेटेड होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, है ना, और फिजिकल एकदम फिट, माइंड से एकदम बढ़िया, नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मक्कार नहीं होना चाहिए, एजुकेशन, डिग्री होनी चाहिए उसके पास, नॉलेज, उसको वास्तव में नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस ये भी जरूरी है, फील्ड में काम किया होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज आपके मैनेजर के अंदर होगी तो आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो फिर आपकी ये थ्योरीज जो है 14 प्रिंसिपल ये फॉलो हो जाएंगे। ये फॉलो होंगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा तो आप कंपटीशन में टिकेंगे, कंपटीशन में टिकेंगे तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो मतलब सब बढ़िया बढ़िया होता जाएगा। ओके, और ये जो मैनेजर है इनको ये वाले सारे काम करने होते हैं। तो ये सब कुछ देखे गए हैं हमको हेनरी फ्योल,
इसलिए मैंने बोला हमारे प्यारे दुलारे हेनरी फ्यूल, ठीक है ना। बताओ प्यारे दुलारे किन के लिए हैं ये? हमारे लिए, कॉमर्स वालों के लिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये प्यारे दुलारे। ओके, क्योंकि इन्होंने एक रिवॉल्यूशन लेके आ गए और बहुत बड़ा चेंज हो गया पूरी इंडस्ट्री के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ओके, और हम बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हैं, तो ये थे इनके बारे में सारी डिटेल। अच्छा, इनके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इन्होंने दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी, और आगे जब आप कुछ जाके फ्यूचर में करोगे तब भी। ओके, तो हम ये करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप जाते जाते सिर्फ थोड़ा सा टाइम आपको लूँगा, सुन लीजिए, ये सब कुछ लाइव क्लासेस भी चलती है, लाइव क्लासेस चलती है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पर। अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं और आप मेरे से इसमें एमसीक्यू, केस स्टडीज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल में, और लाइव टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब अपनी बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर के, हम मिलकर के करेंगे, तो आप कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर जाके आप कोई भी कोर्स बाय कर दीजिए, बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर आपको बहुत अच्छा स्टडी मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमारी इतनी अभी स्थिति नहीं है कि हम कोर्स बाय कर सकें, तो फिर आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपकी हेल्प के लिए, ओनली ओनली आपकी हेल्प के लिए ये वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। गुड बाय।